हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी हमारे मसीह भवन हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, पिता उन सभी को आशीष दे, ढेर सारी बरकतें दे, आशीष दे मेरे प्रियो। ठीक है, आप कमेंट निवेदन द्वारा भेज सकते हैं जिस किसी के लिए प्रार्थना करना हो। ठीक है मेरे प्रियो, जो भी समस्या जो प्रॉब्लम्स है सब पिता से बताएंगे। अपने घुटने टेक कर बैठ जाइए। ठीक है, दिन भर में जो भी पाप गलती गुना हुए हैं, कुछ भी पाप हुआ है, सब पिता से बताएंगे। हमें पिता से कुछ नहीं छिपाना है, पिता से सब कुछ बोल डालना है मेरे प्रियो, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, जो हमारे पापों को गुनाहों को क्षमा कर सकता है, अनंत काल का जीवन दे सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है, पिता ने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे मेरे प्रियो। ठीक है, हम पिता से प्रेम करते हैं, पिता हमारा एकमात्र खुदा बने, यीशु मसीह हमारा यीशु पापा है। ठीक है, पिता अपने बेटे बेटियों को निराश होने नहीं देता है। ठीक है, हम पिता के बच्चे हैं, हम पिता से जो मांगेंगे पिता हमें देगा। ठीक है, पिता हमसे प्रेम करता है, यदि हम किसी गलत रास्ते पर भटक जाएं तो पिता हमें डांटता है, छड़ी भी लगाता है मेरे प्रियो। ठीक है, आप दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, समस्याओं में ग्रस्त हैं, गरीबी में जूझ रहे हैं, बीमारियों में जूझ रहे हैं, तो आइए पिता के सामने घुटने टेकर बैठ जाएंगे और अपनी सारी समस्याओं को पिता के सामने बोल डालेंगे, कुछ नहीं छिपाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करें। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता जो आपने मेरे पिता हम सब हो मसीह बहनों को पिता ज्योतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है मेरे पिता, संभाल के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, कितने तो मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, संसारिक लोग होंगे मेरे प्रभु, वे मर गए होंगे पिता, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे मेरे प्रभु, और वो एक ऐसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे प्रभु जहाँ का धुआं युगान युग उठता रहता है, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते मेरे प्रभु। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु पापा, जो आपने हम सबको अपने पंखों की आड़ में बचा लिया, छिपा लिया यीशु राजा, इसके लिए पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता हम आपका जितना भी धन्यवाद करें यीशु पापा, उतना ही कम है मेरे प्रभु, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य हैं, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई महिमा करने के योग्य हैं यीशु राजा मेरे प्रभु, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, बढ़ाई हो मेरे पिता, बढ़ाई हो, बढ़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता आपने चांद सितारों को बनाया है, आकाश को बनाया है, सूर्य पृथ्वी को सबको रचा है अपने हाथों से प्रभु मेरे पिता, इसके लिए पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता होने दे यीशु पापा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता जो बीमार है मेरे प्रभु, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे प्रभु, वे तमाम इलाज करा चुके हैं, दवाइयाँ खा चुके हैं मेरे प्रभु, फिर भी वे नहीं ठीक हो रहे मेरे प्रभु। मेरे पिता जो मनुष्य से नहीं हो सकता है मेरे प्रभु, वो आपसे हो सकता है मेरे पिता। असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह आप ही मेरे प्रभु। मेरे पिता जो बीमार में ग्रस्त है, बीमारी में जकड़े पड़े हैं, हॉस्पिटल में बीमार हैं, डेंगू में, बुखार में, कैंसर में हैं, हर तरह की घातक खतरनाक बीमारियों में जकड़े मेरे प्रभु, वे नहीं ठीक करें मेरे पिता। हम चाहते हैं मेरे प्रभु आपके नाम से मेरे प्रभु वे चंगे हो जाए मेरे पिता, वे हील हो जाए प्रभु, वे आजाद हो जाए अपनी बीमारियों से मेरे प्रभु। मेरे पिता आप उन्हें छू लीजिए मेरे पिता, आपका चंगाई वाला हाथ मेरे प्रभु हर एक जनों को छू ले मेरे प्रभु। मेरे पिता जितने लोग आपकी उपस्थिति में हुजूरी में बैठे हैं यीशु पापा, आप हर एक जनों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा जी यू टच मी, पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है, कोढ़िये पाइजों को शुद्ध किया यीशु पापा, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे सेनाओं के राजा। मेरे प्रभु जो हम सभी से पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे प्रभु,
जो विचार सोचे हैं, अभिलाषाएं की हैं, कुछ भी गलत पाप किए हैं, गुनाह हुए हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता, जो आंखों से पाप हुआ है, जो हाथों से पाप हुआ है, जो मन के द्वारा पाप हुआ है, जो अभिलाषाएं हुई मेरे प्रभु, आप माफ करें मेरे प्रभु। क्योंकि पिता हम मानव जाते हैं प्रभु, हम मनुष्य जाते हैं प्रभु, मनुष्य निर्बल है, कमजोर है, उससे पाप गलती गुनाह हो सकता है, पाप में गिर सकता है मेरे प्रभु। आप माफ करें मेरे प्रभु, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि पिता आपके पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं मेरे प्रभु, आप गुनाहों को ढाप सकते हैं मेरे यीशु पापा। मेरे प्रभु आपका लहू बहुत कीमती है मेरे पिता, आपने अपना लहू बहाकर सभी के पापों को माफ कर दिया मेरे पिता, अपनी करुणा के अनुसार मेरे पिता हर एक जन के ऊपर अनुग्रह कर मेरे पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पिता हम सभी मसीह भाइयों के अपराधों को मिटा डालिए मेरे पिता मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र पवित्र आप पवित्र हैं मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु पापा। जिस प्रकार से मेरे प्रभु आप पवित्र हैं मेरे पिता, उसी प्रकार से मेरे यीशु पापा हम सबों को भी पवित्र बनाइए मेरे पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके मेरे प्रभु, आपके राज्य में जाने के लायक बन सके मेरे पिता। मेरे प्रभु जहाँ पर आप रहते हैं वह जगह पवित्र है मेरे पिता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे प्रभु। इसलिए मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु पापा, आपने कहा है तुम अपने अपराधों को, गुनाहों को मेरे सामने मानो, पश्चाताप करो मेरे प्रभु। मेरे पिता आपने कहा है पश्चाताप करो मेरे मसीह भाई बहनों, जो भी पाप गलती गुनाह हुए हैं, आइए अभी इसी वक्त अपने घुटने टेकर बैठ जाइए और पिता के सामने पश्चाताप करिए और प्रभु से बोल दीजिए मेरे प्रभु, मेरे यीशु प्रभु मुझसे हो गया पाप, गलतियाँ हो गई, आगे को दोबारा नहीं होगा। पिता हमारा हिम कि नहीं हमारे पापों का, धर्मों को क्षमा कर देगा, श्वेत कर देगा, उजला कर देगा मेरे प्रियो। पिता ने कहा जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पिता ने कहा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पिता की आज्ञाओं को मानना है। पिता ने कहा है जो डाली मुझ में नहीं फलती है मैं उसे काट डालता हूँ, जो फलती है उसे मैं और छाटता हूँ, ताकि वह और फले और फल लाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप मसीह में हैं, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। पहले की बातें बीत गए, पुरानी बातें बीत गई, आपको मसीह में फल लाना है, आपको मसीह में फलवंत होना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे प्रभु, वो लड़ाई झगड़ा नहीं बंद हो रहा है मेरे पिता, पिता वो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद होने पाए मेरे पिता, आज के बाद पिता वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए मेरे पिता। जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आपके नाम से मेरे प्रभु लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए मेरे पिता, वे घर हमेशा के लिए आजाद हो जाए मेरे प्रभु, वे फ्री हो जाएं, वे आजाद हो जाएं मेरे पिता, कोई शैतान के जीवन में कार्य ना करने पाए मेरे पिता। आपका दया वाला हाथ पिता हर जन को छू ले मेरे प्रभु। मेरे पिता आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दी है, कुड़िए पाइजों को शुद्ध किया है मेरे प्रभु, आपने महान आश्चर्य कार्य किए हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु होने दे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो गरीबी में झगड़े हैं, जो टूट गए हैं मेरे पिता, जो भूखे हैं, प्यासे हैं मेरे प्रभु, उन्हें खाना खिलाइए, भोजन खिलाइए मेरे पिता, किसी न किसी मनुष्य के द्वारा मेरे पिता। पिता जो मसीह बन गरीब है पिता, उनकी झोलियाँ भर दीजिए मेरे प्रभु। मेरे पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे प्रभु। आपके नाम से मांगते पिता, उनके घरों के ऊपर से उंडेल दीजिए मेरे प्रभु, बरकतें उंडेल दीजिए मेरे पिता, उन्हें दे यीशु पापा। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो रात में नहीं सो पाते हैं, डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल विचार आते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता जब ये लेटे मेरे प्रभु तब दे सो, क्योंकि नींद आने पाए मेरे पिता, कोई गंदा कोई डरावना सपना ना आने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भविष्य ना डरना मेरे प्रभु। मेरे पिता इस वचन के द्वारा हर एक मसीह भाई की सहायता करें, मदद करें मेरे प्रभु। मेरे पिता ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन आमीन।